अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ टीचर। आज हम क्लास मैट्रिक की मैथ एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। नंबर वन है, ए पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। मतलब ये वाली स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हम सेट टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर दिया है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स जो 2 से बड़े नंबर हों और 6 से छोटे हों। जैसे 2 से 3 बड़ा है, 4 और 5, 6 से छोटा, मतलब 6 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में हम आपको पता है कि हम लिखते हैं सिंबल्स की मदद से। तो यहाँ पर सिंबल्स हैं एक्स सच दैट एक्स, और ये सिंबल है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये है बिलोंग्स टू। और जेड शो करता है इंटीजर्स को, पॉजिटिव साइन हमने दे दिया मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये है ग्रेटर एंड, टू इज लेस देन या एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ये सिंबल्स का मतलब है कि ये एक्स जो है वो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ऐसे नंबर्स आएंगे यहाँ पर। इसका दूसरा पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 20 से छोटे हों और उन पे 5 का टेबल लगता हो। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया है कि 5 पे 5 का टेबल लगता है, 10 पे 5 का टेबल लगता है और हमारे पास 15 पे भी 5 का टेबल लगता है। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स मतलब z एंड एक्स इज लेस देन, मतलब उसी स्टेटमेंट में हम आगे लिख देंगे क्योंकि इसके लिए सिंबल्स का कोई तरीका अभी तक नहीं आया। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। तो 4 और 12 के बीच में नेचुरल नंबर का सेट, तो हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लिखा है। तो 4 और 12 के बीच में नेचुरल नंबर कंटिन्यू होते हैं, तो 4 को छोड़ के 5, 6, 7 से लेकर 11 तक हम लिख देंगे। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर एंड 4 एक्स इज 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12, इसको लिखने का तरीका ये है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है डी पार्ट, अ सेट ऑफ द फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पहली बात तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ अपने आप का टेबल लगता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 6 पहले प्राइम नंबर लिखने हैं, पी मतलब प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये प्राइम नंबर हैं 6। और अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 13। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम अगली एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।